जुर्म का अड्डा बना यूपी, रंगदारी न देने पर मर्डर, व्यापारी को गोलियों से भूना, सुरक्षा पर सवाल, उत्तम प्रदेश का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में जुर्म किस कदर अपनी पैठ जमा चुका है, इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीर एक बार फिर सामने आई है दिल्ली से सटे गाजियाबाद से। से घर से बाहर नहीं निकल लेते और पुलिस का ऐसा खा खा कर ठंडी बैठी है, वो मैन आदमियों को पकड़ नहीं रही। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने बेधड़क एक व्यापारी को गोलियों का निशाना बनाया, वो भी इसलिए क्योंकि व्यापारी ने बदमाशों की डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया था। बदमाशों की तरफ से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी देने से व्यापारी ने इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा उसकी मौत की शक्ल में सामने आया। जी हाँ, तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यह बदमाश एटीएस सोसाइटी की दीवार फांदकर अंदर घुसे और व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अर्शी नाम के इस व्यापारी से बदमाशों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और करीब 13 महीने पहले भी अर्शी और उसके भाई अमजद पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें अमजद की मौत हो गई थी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यह हाई प्रोफाइल एटीएस सोसाइटी की तस्वीरें हैं, जहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा में हर तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती। लेकिन हकीकत यह है कि इसी कैंपस के अंदर गोलियों से भूनकर व्यापारी का कत्ल कर दिया गया और हत्यारे फरार हो गए। यहां सुरक्षा के दावे सिर्फ दिखावे साबित हुए। बताया जा रहा है कि बदमाश इसी कैंपस की दीवार फांदकर दाखिल हुए और कारोबारी अर्शी मलिक पर गोलियां बरसा दी। अर्शी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के समय अर्शी की पत्नी तबस्सुम साथ थी और गोली लगते ही उनका मासूम बेटा भी मौके पर पहुंच गया, जिसने खून से सने अपने पिता को देखा। आपके भी टी शर्ट पे खून लगा हुआ। पता है, सब पता है। तीन आदमियों के काले से रोज बात होती है, अब्बास की, अर्शी की, जरीना की, सबको की मार दिया उसने। बुरी हालत में मारे हैं दोनों, बुरी हालत में। अब बताओ, अब ये छोटे छोटे बच्चे ही कैसे जीवेंगे? हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। आरोप है कि अर्शी के परिवार से काले नाम का बदमाश 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी न देने की वजह से ही यह हत्या की गई। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये हुआ है कि करीब 13 महीने पहले अर्शी और उसके भाई अमजद पर हमला हुआ था, जिसमें अमजद की मौत हो गई थी और अर्शी को 11 गोलियां लगी थी। लेकिन उस वक्त वो बच गया था और पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह भी वही था। उस वक्त भी वारदात को बदमाश काले और उसके साथियों ने ही अंजाम दिया था और तब भी वजह रंगदारी ही थी। गवाही भी पूरी हो गई थी, अभी धीरा चल रही थी जी। बार बार फोन धमकी दे रहे थे और रिश्तेदार और सब के, या तो गवाही रोक दो ना तो तुम्हें मार देंगे। किस बात की मतलब दुश्मनी थी, या किसी फिरौती को बदमाशी को लेके, या कोई आपसी रंजिश? कोई फिर आपसी रंजिश कोई नहीं थी। आप जी रंजिश कोई नहीं, आपसी रंजिश कोई। इसमें कौन मेन लोग थे जो आपसे पैसे मांग रहे थे? काले था, मौसम था, एक असलम है जी, जो इसका अर्शी का बहनों में लगता है। बदमाश काले 50 लाख की रंगदारी के लिए अर्शी पर दबाव बना रहा था। उसके भाई का कत्ल हो चुका था और वो भी मौत के मुंह से बचकर निकला था। बावजूद इसके अर्शी ने जुर्म के सामने घुटने नहीं टेके, वो कानून की चौखट पर गया और सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस ना तो अर्शी की जान बचा सकी और न ही बदमाश काले और उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाई। नतीजा ये कि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और एक घर से दो जनाजे उठ गए। तीन चार पांच गोली की आवाज सुनाई आई तो हम भाग कर नीचे आए तो देखा एक बंदे को गोली लगी हुई थी, उसे डालकर ऑडी कार में ले जा चुके थे शांति गोपाल हॉस्पिटल। तो गोली मारने वाले जो बताए जाते हैं दो तीन लोग थे, उसके बाद उसके बच्चे रो रहे थे तो उन बच्चों को लेकर फिर हम हॉस्पिटल गए। जब तक हम पहुंचे वो मृत हो चुका था। सवाल बिल्डिंग की प्राइवेट सिक्योरिटी पर भी है, जो सिर्फ जानती है मोटी रकम वसूलना। सवाल खाकी की बढ़ती लापरवाही पर भी है, क्योंकि अगर अर्शी की शिकायत को गंभीरता से पुलिस ने लिया होता, वक्त रहते कार्रवाई की गई होती, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। सवाल ये कि क्या मासूम आंखें कभी अपने पिता के खून से सने जिस्म और दम तोड़ती सांसों को भुला पाएगा? क्या यह परिवार कभी सदमे से निकल पाएगा?
क्या वो माँ जिसके दोनों बेटों का कत्ल बदमाशों ने रंगदारी के लिए कर दिया हो, क्या उसे कभी इंसाफ मिल पाएगा? क्या खाकी कभी अपने काम को जिम्मेदारी से निभा पाएगी? और क्या यूपी की जनता में कभी पुलिस सुरक्षा की भावना जगा पाएगी? यादराम भारती, इंडिया 24/7, गाजियाबाद। और जरा बचकर इंटरनेट की दोस्ती से, जहां पंजाब के जालंधर से सामने आई ये खबर आपको सावधान करती है इंटरनेट की उस दोस्ती से जिसमें है धोखे का खूनी जहर। यहां एक महिला ने एक आपको बता दें कि एनआरआई को इंटरनेट पर पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद रचा उसी के मर्डर का प्लान। वक्त की खामोशी से जब अदीत की चीखें निकलकर सामने आती हैं, तो सच पर यकीन करना मुश्किल होता है। पंजाब के जालंधर से सामने आई एक खबर ने धोखे, फरेब, इश्क और हुस्न के जाल में फंसे एक शख्स की मौत से पर्दा उठाया तो सबके होश उड़ गए। जालंधर की खामरा कॉलोनी, यहां घर के बाहर खुदाई कर रही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर रखा है। जमीन के अंदर से यहां कुछ तलाशने की कोशिश की जा रही है। यहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ और सवालों की परछाई है। 6 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को यहां से एक शव मिला। शव पर नमक डालकर एक चादर में लपेटकर यहां दफनाया गया था। शव मिलते ही पुलिस ने कत्ल की एक खौफनाक वारदात को सुलझा लेने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये शव लुधियाना के एक एनआरआई रविंदर सिंह चीमा का है, जो जनवरी से लापता थे और तब से पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। शक के आधार पर पुलिस ने मालती मिनहास नाम की एक महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने खुलासे में पुलिस के भी होश उड़ा दिए। मालती मिनहास ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने रविंदर का कत्ल कर दिया है और उसमें उसके साथी परमजीत कौर भी शामिल थी। 365 आईपीसी तहत मुकदमा दर्ज किया सी, जो सीआईए इंचार्ज कपूर फगवाड़ा वालों मुकदमा दर्ज करके एनडीपीएस एक्ट अधीन मालती मिनहास नूं गिरफ्तार किया गया। उसने अपने बयान विच यह कन्फेस किया है कि जिहड़ा रविंदर चीमा सी उस नूं ते मालती मिनहास अते परमजीत कौर वगैरह ने रल के मार दिता है। मार के डेड बॉडी इत्थे जिस घर विचों किराए ते रहिंदी सी उहदे बाहर दफन किया है। इस कत्ल की वजह रुपयों का लालच है। आरोपी महिलाओं ने पहले रविंदर को इंटरनेट के जरिए अपने जाल में फंसाया और 19 जनवरी रविंदर की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। महिलाओं के प्लान की अगली कड़ी थी रविंदर के शव को ठिकाने लगाना। दोनों ने पहले रविंदर का कत्ल कर दिया और उसके बाद जिस किराए के घर में वो रहती थी उसी घर के बाहर लाश को दफन कर दिया। लेकिन रविंदर के मौत के सच को वो ज्यादा देर तक छिपा ना सकी। कुछ गल पता लगी क्यों इस चीज़ का? कत्ल करने और शव को छिपाने के तरीके से लगता है कि दोनों महिलाएं शायद पेशेवर अपराधी न हों, लेकिन इनकी सोच में कहीं जुर्म छिपा बैठा था जिसे जब लालच और मामूली मजबूरी का सहारा मिला तो वो सामने आया एक खौफनाक खूनी मौत की शक्ल में। इसलिए सावधान रहिए और जरा बचकर इंटरनेट की दोस्ती से। राजीव वाधवा, इंडिया 24/7, जालंधर। और अगली खबर जोधपुर से, जहां एक 8 साल के बच्चे के अगवा होने की खबर से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे का अपहरण उस वक्त हुआ जब वो स्कूल बस का इंतजार कर रहा था और बच्चे को छोड़ने के एवज में 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। जोधपुर का बनाड इलाका, स्कूल बस के इंतजार में एक लड़का बिना नंबर प्लेट की कार और बच्चे का अपहरण। जोधपुर के बनाड इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि 8 साल के एक लड़के को अगवा किया गया है। इस बच्चे का नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र हर दिन की तरह स्कूल के लिए घर से निकला था। घर से निकल भूपेंद्र गली के बाहर अस्पताल के पास खड़ा हुआ था कि बिना नंबर प्लेट की एक सफेद कार आई और भूपेंद्र को गाड़ी में डालकर सड़क से गायब हो गए। वारदात के बाद भूपेंद्र के घर वालों ने बच्चे को खूब तलाश किया लेकिन भूपेंद्र का कहीं पता नहीं चला।
जिसके बाद घर वालों ने पुलिस को भूपेंद्र के किडनैप होने की खबर दी। बच्चे के किडनैप होने की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। जोधपुर पुलिस के ACP खुद पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। बच्चे को टोफी का बहाना लेकर गाड़ी में बिठा करके ले गए हैं। बच्चे ने परिवार को आकर के बताया, तो उसके आधार पर हम सारी जो अब तक जो कुछ नंबर हैं, गाड़ी के नंबर हैं या कोई गाड़ी का हुलिया है, उनके आधार पर उनका पता करने की कोशिश। इन सब के बीच जब पुलिस शहर में नाकाबंदी कर बिना नंबर की कार की तलाश कर रही थी, तभी भूपेंद्र के घर वालों के पास किडनैपर्स का फोन आ गया। किडनैपर्स ने भूपेंद्र के परिजनों से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। भूपेंद्र की मां का रो रो कर बुरा हाल है। भूपेंद्र के परिजन के मुताबिक एक फोन करने वाले किडनैपर्स के पास से भूपेंद्र की आवाज आ रही थी। आपने कोई आवाज सुनी ला रही है? हां, सर थोड़ी थी कि अगर हम क्या खिला और टॉपिक खिला हम बर्थडे आज उसी थे फोन आया तो वीर ने फोन किया। क्या कहे पता नहीं बात क्या पता नहीं बात रात कौन बोले जिते वीर ने के पाड़े आवाज आती गए थन चॉकलेट दिरा आज बर्थडे है क्या खिला हूं आवाज आती पाड़े। भूपेंद्र के पिता प्रॉपर्टी व्यवसाय के कारोबारी हैं, जिसके चलते किडनैपर्स ने 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक बच्चे को पुलिस आजाद करवा पाती है। ललित सिंह, इंडिया 24/7, जोधपुर। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया का मतलब क्या होता है? हैरान कर देने वाला ये वो सवाल है जो कानपुर के शराबी सिपाहियों ने एक शिक्षक से पूछा, और जब इसका जवाब उनको नहीं मिला तो सिपाहियों ने शिक्षक को जमकर पीटा और पहुंचा दिया थाने। ये सब हुआ सड़क पर चेकिंग के नाम पर। रिपोर्ट देखिए। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, लोटे के लुढ़कने का मतलब अगर आपको नहीं मालूम तो यूपी के कानपुर में कदम मत रखिएगा। यहाँ की दबंग पुलिस ने अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया और आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो यकीन मानिए आपकी शामत नहीं। ये मामला कानपुर के बर्रा थाने में तैनात दो सिपाहियों और एक टीचर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कानपुर के तात्या टोपे नगर में अपनी कोचिंग चलाने वाले श्याम जी वाजपेयी नाम के ये टीचर शुक्रवार रात कोचिंग बंद कर विश्व बैंक कॉलोनी बर्रा अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में चेकिंग के नाम पर इसी बर्रा थाने में तैनात सिपाहियों अरुण कुमार राठौर और दुर्गेश ने इस टीचर को रोका। श्याम जी वाजपेयी ने खुद के टीचर होने की बात कही तो नशे में मदहोश सिपाहियों ने इनसे एक सवाल पूछा कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इसका मतलब बताओ। जब टीचर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो सिपाहियों ने अपना पूरा नशा इस टीचर पर उतार दिया। पहले टीचर की सरे राजम कर पिटाई की, फिर उनकी पर्स निकाल ली जिसमें लगभग 1300 रुपए थे। इसके बाद शराबी सिपाहियों ने टीचर को जबरन गुजैनी पुलिस चौकी ले गए, जहां से मौका मिलते ही श्याम जी भाग कर अपने घर पहुंचे और उसके बाद SSP को पूरी घटना की जानकारी दी। रोक के बोले, क्यों बे कहां जा रहा है तू? तो बोला मैं बोला उनसे, सर मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा करके मैं घर जा रहा हूँ। तो बोला कि तू काय का टीचर है? तो मैंने बोला कि सर आई एम द टीचर ऑफ मैथ्स। तो बोला अच्छा तू टीचर है, चल बता कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। तो आई वॉन्ट बी एबल टू से दैट पॉइंट, बट उसने क्या किया, वो तुरंत उतरा और मेरे को, वो पिए हुआ था और मेरे को मारना चालू कर दिया। इसके बाद दूसरा सिपाही भी उसने उतरा, उसने तुरंत मेरे को मारा और मुझे लिटा के दोनों लोगों ने मारा। घटना सही पाए जाने पर SSP ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर मामले पर जांच बैठा दी है। के एक शिक्षक हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्होंने थाने पर शिकायत की थी कि वो जब ट्यूशन पढ़ा करके लौट रहे थे तो दो आरक्षियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, चौकी पर ले गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी जांच कराई गई, प्रथम दृष्टया ये घटना सत्य पाते हुए उन दोनों आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके इस कृत्य के की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच में और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। आरोपी सिपाहियों को लोटे के लुढ़कने का मतलब शायद अब पता चल गया हो, लेकिन खाकी की दबंगई की ये कहानी यूपी में नई नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां आम जनता को खाकी के कहर का शिकार होना पड़ा है। जाहिर है इस मामले के बाद आरोपी सिपाहियों पर कार्रवाई कर खाकी भी अपने दामन पर लगे दाग को साफ करने की कवायद में जुटी है। योगेंद्र प्रताप, इंडिया 24/7, कानपुर।
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक हफ्ते के अंदर हुई चोरी की 3 वारदातों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार चोरों के शिकार बने हैं या रहने वाले मेटल कारोबारी जिनकी फॉर्चुनर कार को चोर उड़ा ले गए। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन चोरों का कोई भी सुराग अब तक पुलिस के हाथ तो नहीं लग सका है। एक हफ्ते में 3 वारदातें, सुरक्षा पर उठे सवाल, सीसीटीवी में कैद चोर। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसलों की एक बार फिर सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाश एक व्यापारी की फॉर्चुनर कार चोरी करके फरार हो गए। हालांकि पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की एक करतूत कैद हो गई और पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। यह मामला 9 फरवरी की रात का है, जब मेटल व्यापारी सौरभ कुमार ने रात में घर के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की, लेकिन अगली सुबह उन्हें कार नहीं मिली। पहले तो उन्होंने आसपास अपने कार की तलाश की, लेकिन जब कार नहीं मिली तो उन्होंने पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी को चेक किया। व्यापारी सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। चोर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में आए और बड़े आराम से उनकी फॉर्चुनर कार चोरी करके फरार हो गए। जितना भी आस पड़ोस के जितने भी सीसीटीवी कैमराज है वहाँ पे चेकआउट किया तो 3:20 के करीब एक स्विफ्ट गाड़ी अंदर आती है और 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी फॉर्च्यूनर आगे और स्विफ्ट गाड़ी पीछे। बताया जा रहा है कि इस इलाके में हफ्ते भर में चोरी की ये 3 वारदात है। इसी तरीके की एक प्रॉब्लम पहले भी आई है। 28 की रात को 8:30 के करीब यहीं घर के पास से ही एक इनोवा भी इसी तरीके से ली गई है। साफ है कि चोरी की बढ़ती इन घटनाओं से दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, दिल्ली। और कार चोरी की ऐसी एक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और चंडीगढ़ से ही। यहां चोरों ने जिस ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। चंडीगढ़ पुलिस अपनी चौकसी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रवैया रखने के लिए जानी जाती है, लेकिन चोरों के राज में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं रह गए। यह मंजीत सिंह, जो चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर होमगार्ड तैनात है, और मंजीत सिंह बने हैं चंडीगढ़ के स्मार्ट चोरों का निशाना। इससे पहले हम आपको पूरा वाक्य बताएं, ये तस्वीरें देखिए। सीसीटीवी की ये फुटेज चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की है, जिसमें 2 नौजवान एक जिप्सी को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो जिप्सी को 100 मीटर तक आगे लेकर जाते हैं और फिर उसे लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। ये जिप्सी मंजीत सिंह की थी, जिसे उन्होंने 11 मार्च को रात करीब 10:30 अपने घर के बाहर पार्क किया था, लेकिन जब अगले दिन सुबह उन्होंने देखा तो जिप्सी गायब थी। आपकी गाड़ी चोरी हुई है, कौन सी गाड़ी थी वो? मारुति जिप्सी। आपको कब पता लगा आपकी गाड़ी चोरी हो गई है? कल मॉर्निंग में पता लगा। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? हाँ जी, किया पुलिस में कंप्लेंट, पर अभी तक तो कोई कार्रवाई होने नहीं। स्मार्ट सिटी में चोर भी स्मार्ट हो चुके हैं और ये आरोप खुद एक पुलिसकर्मी लगा रहा है। ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं, जबकि पुलिस बाकी लोगों की तरह अपने मुलाजिम को भी कार्रवाई का भरोसा ही दे रही है। तो इस खड़ी गड्डी में धक्का मार के काफी दूर ले जाके स्टार्ट करके इन्होंने एक गड्डी चोरी की है। कोई मामला दर्ज किया गया? आज का केस अपना आज सानू कंप्लेंट दे गया, आज केस रजिस्टर कर लिया था, तो सानू इधर काफी कुछ क्लियर मिल रहे हैं, जल्दी अपने इस गड्डी को बरामद कर लो। चंडीगढ़ में पहले भी कई हाई प्रोफाइल जगहों पर चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। कभी पॉश इलाके में चोर हाथ साफ कर जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े होटलों में, और अब इन चोरों के निशाने पर पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं। ऐसे में इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है, ताकि पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी इससे राहत मिल सके। रविंदर सिंह, इंडिया 24/7, चंडीगढ़। और हम अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको ताजुब होगा। अस्पताल में इलाज होता है, दवाइयां मिलती हैं, लोग अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के एक अस्पताल में लोग बाराती बनकर पहुंचे। मरीजों की मौजूदगी में जश्न मनाया गया, डांस का तमाशा भी हुआ और पूरे धूम धड़ाके के साथ जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देखिए, अस्पताल बना बारात घर। Thank you.
शादी की खुशी में ये भांगड़ा अस्पताल कैंपस में हो रहा है। बैंड की धुन पर नाचने वाले ये लड़के बाराती हैं। मरीजों से भरे वार्ड के ठीक सामने फुल आवाज में बैंड बाजा बज रहा है। इनकी यार की शादी है, शादी का जश्न था, लापरवाह अस्पताल प्रशासन मौन था, जश्न परवान चढ़ता जा रहा था, ऐसे में कहां किसी को चिंता थी कि अस्पताल में मरीज भी हैं। मरीजों को शोरगुल नहीं, शांति की जरूरत होती है। इस बात से बेपरवाह कि अस्पताल के अंदर किसी का इलाज चल रहा है, इस बात से बेफिक्र कि कोई मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, इस बात से बेखबर कि ये कानफोड़ू आवाज किसी मरीज की कराह दबा सकती है। बस नाचते जा रहे थे। लड़का शादी के लिए बग्घी पर चढ़कर अस्पताल पहुंचा। अपनी शादी की खुशी में दूसरों की खुशी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार था। अस्पताल में दवाई की जगह शहनाई की धुन बज रही थी। इन्हें रोकने वाले तमाशा देख रहे थे। फिक्र मरीजों को थी, मरीजों के परिवार वालों को थी। वे हैरान थे, वे परेशान थे, लेकिन बताएं किसको, शिकायत किससे करें, क्योंकि शादी के जश्न में तो हर कोई शरीक था, रुकता कौन। बिल्कुल दिक्कत होती है, इसके एक प्रतिबंधित है और फिर भी होता है, क्योंकि ये तो स्कूलों में अस्पतालों में हर जगह लिखा होता है कि ना हो, अब हो रहा है तो ये तो इसके लिए स्वयं प्रशासन जाने। आपके मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है? अरे हाँ, सभी को दिक्कत है, मरीजों को दिक्कत तो होती है, सभी को दिक्कत होती है। आपको बता दें कि अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर और अधिकारियों ने इस तमाशे पर इसलिए चुप्पी साध ली थी क्योंकि ये जलसा अस्पताल कर्मचारी के ही परिवार में था। सो कौन बोलता, सीएमएस साहब भी कह रहे हैं कि छोटा मोटा कार्यक्रम होता रहता है। देखो ऐसा है, यहाँ रहने वाले कर्मचारी हैं, ये अपने छोटे मोटे फंक्शन करते रहते हैं, तो जो है बाहर भी करते हैं, कभी कुछ अंदर भी कर लेते हैं, किसी किसी को कोई परमिशन वगैरह तो ऑफिशियली दी नहीं जाती। मरीजों की जिंदगी पर आफत बनी हुई थी और सीएमएस साहब कह रहे थे कि छोटा मोटा कार्यक्रम है, ये तो हद है। हालांकि रिपोर्टर ने कार्रवाई के बारे में पूछा तो कह दिया कि कार्रवाई करेंगे। बैंड बाजा बारात करना ये सब सर्वथा बिल्कुल मना है। आप सीएमएस हैं, कोई एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे। किस तरह से हो सकता है? इनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। सीएमएस साहब ने कार्रवाई की बात तो कह दी, लेकिन कब कार्रवाई होगी ये पता नहीं। इससे पहले अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई ये भी पता नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर इस दौरान किसी मरीज की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? आखिर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की सेहत कब सुधरेगी? दीप चंद्र जोशी, इंडिया 24/7, मुरादाबाद।